इमीजिएटली रूम में लेके जाइए इनको, इमीजिएट। इन्होंने दो बॉटल खून दिया है, इसलिए कमजोरी तो आएगी ही। डॉक्टर, ये भगवान से कृष्ण की जिंदगी के लिए दुआ मांग रही थी, और मुझे पूरा यकीन है कि इसी की दुआओं का असर है कि आज कृष्ण को सिर्फ दो बॉटल खून से होश आ गया। आप सही कह रहे हैं मिस्टर अक्षय, कभी कभी जहां मेडिकल साइंस काम नहीं आता है वहां इनके जैसे नेक इंसान की दुआएं काम आ जाती है। आप लोग परेशान मत होइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सिस्टर, आप लोग ध्यान रखिए, इसे होश आने के बाद ये फिर से बेड से ना हिले। मैंने तुम्हें गलत समझा था, गलत समझा। तुमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरे बेटे की जान बचाई, और मैंने तुम्हारी ईमानदारी पर शक किया, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। मुझे माफ कर दो, I'm sorry। लेकिन कौन हो तुम? देवी बनकर मेरे बेटे की जिंदगी बचाई, क्यों कर रही हो ये सब? क्या सच्चाई है तुम्हारी? कृष, मेरा बच्चा ठीक हो गया, इसे होश आ गया, क्या हुआ था इसे? मैडम प्लीज, आप इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, ये अभी सिर्फ होश में आया है, कमजोरी अभी भी है। लेकिन ये रो क्यों रहा? Why is he crying? वैसे तो ठीक ही है, हो सकता है शायद अपनी माँ के लिए रो रहा है। अब इस बच्चे को क्या पता कि इसकी माँ ने इसकी जिंदगी बचाते बचाते अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। सुना तनिषा, आज नर्स को लग रहा है कि कृष की माँ तुम नहीं, ममता है। कल किसी और को लगेगा, और हो सकता है एक दिन कृष को भी ऐसा ही लगने लगेगा। मैं इसकी माँ हूँ नर्स, अब बेकार की बातें छोड़ो और देखो इसे क्या हुआ है। डॉक्टर, ममता कैसी है? Is she all right? अभी कम से कम 12 घंटा हमें मॉनिटर करना होगा, और वैसे भी वो हमारी निगरानी में, hopefully she'll be all right। वो ठीक हो जाएगी। वो ठीक हो जाएगी डॉक्टर, उसे ठीक होना होगा। आप ही ने कहा था कि जो लोग दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देते उनके साथ बुरा नहीं हो सकता। She'll be fine। ममता को लोगों की नजर से गिराने की जितनी मैं कोशिश कर रही उतनी वो ऊपर उठती जा रही है। एक उस छोटे से एक्सीडेंट की वजह से ममता तो हीरोइन बन गई। मैं पार्क में ना अपनी फ्रेंड से बातें करती, ना आज ये सब होता। मुझे अब सोच समझ कर हर कदम उठाना होगा। Thank God, तुम्हें होश आ गया। कृष कैसा है? हाँ वो अब अच्छा है, थोड़ी कमजोरी है लेकिन ठीक हो जाएगा। चुप हो जा कृष, चुप हो जा कृष, कृष चुप हो जा, कृष
चुप हो जा। शुक्र है भगवान का कि क्रिश ठीक है। थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुमने क्रिश को बचाया। एक नई जिंदगी दी है तुमने उसे। मुझे क्रिश के पास ले चले। नहीं, तुम यहीं लेटी रहो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती और डॉक्टर तुम्हें परमिशन नहीं देते, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं डॉक्टर को बताकर आता हूँ कि तुम्हें होश आ गया। बेटा क्रिश कैसा है? डैड वो अब ठीक है। ममता ने अपनी जान को खतरे में डालकर क्रिश की जिंदगी को बचाई। हमने उसे समझने में बहुत बड़ी गलती की है डैड, बहुत बड़ी गलती की है। आप लोग ये काम कीजिए, आप लोग तनिषा के साथ क्रिश के कमरे में जाइए। मैं जरा डॉक्टर से मिलकर आता हूँ, उसे पूछना है कि ममता क्रिश को मिल सकती है या नहीं। ठीक है बेटा। डैडी जी, मैंने डॉक्टर से कहा चाहे मेरा जितना खून ले लेकिन मेरे क्रिश को बचा ले, लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप मैच ही नहीं हुआ। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी फोन किया लेकिन उनका भी ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ। क्रिश का ब्लड ग्रुप इतना रेयर जो है, लेकिन चलो किसी का तो मिला। क्रिश तो ठीक हो गया ना? हाँ, हमें ममता का एहसान मानना चाहिए। आज उसी की वजह से हमारा क्रिश बच गया। कृष्ण का नहीं है तो मैंने बचा लिया मेरे कृष्ण को। हाँ दमयंती, भगवान की बहुत कृपा है हम पर, लेकिन हमें सबसे पहले ममता का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने पराया होकर भी अपनों से बड़ा काम किया। आप ठीक कह रहे हैं, हमें उस बिचारी के पास चलना चाहिए। ने इतना बड़ा उपकार किया है, हम मेरी समझ में नहीं आता हम उसका कर्ज कैसे चुका पाए। चलिए जय राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, जय जय। सामग्री का सब प्रबंध हो गया क्या? अरे हो गया, सब हो गया, बस बादाम। अरे वाह, जेका तोहफा हमरे वास्ते? नहीं, ये ममता दीदी के वास्ते, उन्होंने कृष बाबा की जान जो बचाई। हाँ ये बात एकदम ठीक है। अरे वाह, इतना सारा नाश्ता। अरे भैया जी, ये भगवान का भोग है। भोग किस खुशी में? ममता दीदी ने कृष बाबा की जान बचाई है ना, तो ई भगवान जी को थैंकू और ई ममता दीदी को थैंकू। ठीक है, ये सब बटा, नाश्ता लगा। नाश्ता? नाश्ता तो हमने बनाए। क्यों? वो भोग बनाए ना। तो मैं क्या खाऊं? भैया जी, हम अभी आधे घंटे में बनाए के लाते हैं। तुम्हारा मतलब है मैं आधे घंटे तक भूखा बैठा रहूं, वेट करूं? तुम लोगों को यहां खाना बनाने रखा या नाटक करने के लिए? वो भैया जी, क्रिश और ममता है ना, उनको बस करो। ये क्रिश और ममता को इतना इंपॉर्टेंस देना? वैसे भी ममता ने कौन सा महान काम किया? जो उसका काम था वही किया है ना। भैया जी, हम अभी नाश्ता बनाए के लाते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं, वैसे भी हमेशा से इस घर में क्रिश क्रिश अक्षय अक्षय हुआ करता था, अब फॉर अ चेंज क्रिश क्रिश ममता ममता हो रहा है। हम लोग तो कोई है ही नहीं ना। का प्रॉब्लम हो गई क्रिश बाबा और ममता दीदी से?
वैसे भी तुम्हारे हमारे घर परिवार पर बहुत उपकार है। आज हमारे मुंह से सिर्फ यही शब्द निकलेगा तुम्हारे लिए। तुमने अपनी औलाद से बढ़कर काम किया है, खुश रहो बेटा। जानती हो, एक माँ बाप के लिए अपने बच्चे की जिंदगी से ज्यादा किसी और चीज में खुशी नहीं मिलती, और आज तुमने वो पूछती हुई खुशी को हमारे चेहरे पर फिर से लौटाया। क्रिश, क्रिश सचमुच ठीक है ना? क्रिश सचमुच ठीक है माँ। लेकिन डॉक्टर ने ममता और क्रिश को एक ही साथ एक ही कमरे में रहने की परमिशन दे दी। क्रिश और मॉम और डैड घर चले गए हैं, इसलिए अब तुम्हें ममता का ख्याल रखना होगा। अरे वाह, मैं क्यों ख्याल रखूंगी उसका? मैं अपने बेटे का ख्याल रखूंगी, किस ममता का? उसने हमारे बच्चे की जिंदगी बचाई है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उसकी पूरी तरह से देखभाल करें। हाँ, तुम सबको तो बस ममता ही नजर आती है, मैं तो कुछ हुई नहीं ना। देखभाल करने वाली वो है या मैं? इतनी दया आ रही है ना उस पर, तो तुम रखो ना ध्यान उसका जिसे आज तक रखते आए। तो फिर कृष्ण को कौन संभालेगा, क्योंकि तुमसे तो वो संभलता नहीं। मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अरे क्या मतलब मन नहीं है, अगर जूस नहीं पियोगी तो ठीक कैसे होगी? ये लो। ममता, तुम्हें बच्चों से बहुत प्यार है ना? हाँ, दादी माँ कहती है ना कि बच्चों की सेवा मतलब ईश्वर की सेवा। वैसे मुंबई आने से पहले तुम शादीशुदा थी क्या? तुम्हारा कोई बच्चा भी? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि किसी दूसरे के बच्चे को अपना समझना साधारण बात नहीं है। तुम्हें कृष की इतनी फिक्र क्यों होती है? उसके लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी, क्यों? इतने अच्छे संस्कार तुम्हें कहां से मिले? तुम्हारे परिवार वाले कहां हैं? कौन है, कहां रहते हैं? मेरा मतलब, अच्छा लगता है किसी के काम आना, और फिर कृष की देखभाल के बदले मुझे इतना अच्छा घर परिवार मिला। घर में सब लोग कितने अच्छे हैं, तो फिर मेरा भी तो धर्म बनता है ना कि जिस विश्वास से उन्होंने मुझे कृष की देखभाल के लिए रखा है उसे मैं ढंग से निभाऊं। वो ठीक है, लेकिन तुम कुछ अपने बारे में बताओ मुझे। मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। लेकिन मिस्टर अक्षय, ममता और क्रिस दोनों काफी ठीक है, कल आप इनको घर ले जा सकते हैं। मैं दोनों के लिए मेडिसिन लिख के दे दूंगा। किसी दूसरे के बच्चे को अपना समझना साधारण बात नहीं है।
वो कौन सा राज है जो ममता मुझसे छुपा रही है?